बुरहानपुर से सटे 5 किमी दूर स्थित ग्राम बहादुरपुर में महिलाओं और पुरुषों ने मिलकर सैकड़ों की तादाद में सरपंच प्रवीण शाने की कार्य प्रणाली की लापरवाही की शिकायत करने कलेक्ट्रेट पहुंचे। उनमें से ही एक पंच मनोहर उमाले, गणेश लोंधे और अधिवक्ता इंद्रिस खान ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि अनुसूचित जाति एवं पिज्जा जाति के वार्डों में कोई विकास कार्य नहीं कर रहा है और यही नहीं गांव में स्ट्रीट लाइट भी बंद पड़ी है। गांव में आवारा पशुओं की बड़ी संख्या में जमावड़ा लगा रहता है और जगह जगह गंदगी का अंबार है। सरपंच कोई ध्यान नहीं दे रहे। ग्रामीणों ने बताया कि सरपंच राजनेताओं से पहचान रखता है जिस कारण सरपंच पर प्रशासन भी कार्रवाई नहीं कर रहा। मैं वार्ड नंबर 19 का पंच हूँ। मैं ये समस्या लेके आया कि हमारे वहाँ सीसी रोड नाली अभी पड़ी है साहब, वहाँ नाली का निर्माण नहीं है, सीसी रोड का निर्माण नहीं है, क्या स्ट्रीट लाइट नहीं है। 4 मंजिल हमारे गांव में 4 मंजिल की स्ट्रीट लाइट बंद पड़ी है। हम जा रहे तो वो विश्वास में लाके वो काम नहीं कर रहे, जानबूझ के हमारे साथ जातिवाद कर रहे हो साहब। क्या अच्छा उन्होंने पन्नी शाह सरपंच अच्छा 19-20 राजा वार्ड है, सारे दलित लोग रहते, खुला जातिवाद कर रहे। वो हमने धमके रहता है मुझे जहाँ जाना वहाँ जाओ और मेरी शिकायत कहीं भी कर सकते हो। तो मेरी पावन बहुत बड़ी है। अभी तक कहाँ शिकायत की आपने? हमने कलेक्टर साहब महोदय को अभी शिकायत दी सर। अच्छा, पहले भी शिकायत? इसके पहले भी शिकायत की थी। उस शिकायत को लेकर गाँव वालों में बैठ के समस्या का निराकरण कर दिया। उन्होंने बैठ के भैया तुम्हारा काम होगा ये होगा। कुछ दिन पहले समाचार पत्रों में आया था सरपंच के खिलाफ राजनेताओं से संबंध रखता है, तो क्या ये बात सही है? वो धमकी दे रहे थे राजनेताओं को, धमकी दे रहे मैं फला आदमी हूँ, मैं तुम उस पर केस डलवा दूंगा, तुम्हें जेल भर दूंगा। आए दिन मेरा तुमको धमकाते चमकाते रहता है, धमकाते चमकाते साहब। अगर ये शिकायत आज आपने जो है, कितने लोग आए अपने बहादुरपुर से? कम से कम 500 लोग आए साहब। तो अगर इस पर कार्रवाई नहीं हुई तो अगला कदम आपका क्या रहेगा? जन आंदोलन करेंगे सर।